हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजलि। आई एम अ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर। इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर हाउ आई शेव माय फेस विदाउट ब्रेकिंग आउट। देयर इज़ नो एज व्हेन गर्ल शुड स्टार्ट शेविंग। इन फैक्ट यू डू नॉट हैव टू शेव एट ऑल इफ यू डोंट वॉन्ट इट, एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो, बट रिमेंबर नॉट टू स्किप द वीडियो इन बिटवीन, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट स्टेप भी मिस हो जाएगा। और अच्छा रिजल्ट तभी मिलेगा ओनली इफ यू फॉलो ऑल द स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप इज टू वॉश योर फेस। आपको एक जेंटल फोमिंग क्लेंजर से अपना फेस वॉश करना है टू रिमूव एनी सॉर्ट ऑफ ऑयल एंड डर्ट। नाउ मूविंग अहेड विद स्टेप नंबर टू, यू हैव टू अप्लाई क्रीम और एलोवेरा जेल ऑन योर फेस। अप्लाई द थिकेस्ट लेयर ऑफ एलोवेरा जेल। बहुत सारे लोग अपने ड्राई फेस पे शेविंग करना पसंद करते हैं। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम शेव किया था तो ड्राई फेस पे किया था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा डिसीजन नहीं था, और मेरे फेस पे बहुत सारे रेड बम्प्स हो गए थे, स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। सो दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अप्लाई अ जेनरस अमाउंट ऑफ क्रीम और एलोवेरा जेल। नाउ स्टेप नंबर थ्री इज टू यूज अ न्यू रेजर। इफ यू स्टिल वॉन्ट टू यूज अ रेजर फॉर द सेकेंड टाइम, मेक श्योर कि वो अच्छे से क्लीन हो बिफोर शेविंग एंड आफ्टर शेविंग एज वेल। आई प्रेफर यूजिंग अ न्यू रेजर एवरी टाइम। शेविंग तब करनी चाहिए जब आपका फेस एटलीस्ट 90% एक्ने और स्मॉल बम्प फ्री है। फॉर मी, आई गेट माई पीरियड एक्ने और स्मॉल बम्प्स ऑन माई फेस बिफोर एंड आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ माई पीरियड, इसलिए मैं उस टाइम शेविंग करना अवॉइड करती हूँ। नाउ कम्स हाउ टू यूज अ रेजर। आपको अपने रेजर का एंगल 45 डिग्री पे रखना है वाइल शेविंग योर फेस। यू हैव टू यूज अ रेजर वेरी वेरी जेंटली, एज इफ यू आर रिमूविंग द टॉप लेयर ऑफ एलोवेरा जेल एंड नॉट द हेयर। जो आप प्रेशर लगाओगे रेजर को मूव करने में, वो इतना जेंटल, सॉफ्ट और लाइट होना चाहिए कि आप बस उस एलोवेरा को हटाने के लिए रेजर को मूव कर रहे हो। द होल पर्पज ऑफ डूइंग दिस वेरी जेंटली विथ सॉफ्ट हैंड अप्लाइंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर इज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्लेन एरिया पे बाइसिकल चलाते हो तो कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और अगर आप एक रफ एरिया पे या ग्रास के एरिया पे बाइसिकल चलाते हो तो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। सेम चीज़ आपका फेस शेव करते वक्त अप्लाई होती है। तो द कंक्लूजन इज कि आपको बहुत कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करनी है, जो तभी होगा जब आपका स्किन का सरफेस है वो स्मूथ होगा और आप लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाओगे। नाउ यू हैव टू क्लीन योर फेस विद अ प्लेन वाटर टू रिमूव द एलोवेरा जेल, एंड उसके बाद मैं माइसिलर वाटर से भी अपना फेस क्लीन करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टीम योर फेस। स्टीम लेने से स्किन लूज एंड सपल हो जाएगी, जिससे पोर्स स्ट्रेच होंगे और इजी टू क्लीन भी बन जाएंगे। हमारे स्किन में हेयर फॉलिकल्स होते हैं जहाँ से हेयर ग्रोथ होती है। जब हेयर फॉलिकल क्लॉग हो जाते हैं विद डर्ट एंड डेड स्किन, तो एक्ने एंड पिम्पल प्रोड्यूस होते हैं। दिस विल हेल्प टू ओपन अप द क्लॉग पोर्स। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये डीप पोर क्लीनिंग क्ले मास्क यूज करूंगी। इट हेल्प्स टू रिमूव ऑयल और एनी ट्रैप डर्ट, एंड पोर्स को क्लीन करने में हेल्प करता है। यू कैन यूज एनी क्ले मास्क एज यू प्रेफर। आई एम वेटिंग टिल इट्स 80% ड्राई एंड उसके बाद फेस वॉश करूंगी। आई हैव वॉश्ड माई फेस एंड टू श्रिंक द पोर्स बैक एंड रिलैक्स माई फेस स्किन, मैं एक आइस क्यूब रब कर रही हूँ अपने फेस पे 1 मिनट के लिए। आई एम यूजिंग अ शीट मास्क। शेविंग करने से स्किन की टॉप लेयर रिमूव होती है, विच कैन कॉज ड्राई स्किन। तो स्किन को एक्स्ट्रा मॉइस्चर देने के लिए आई एम यूजिंग अ शीट मास्क। आप कुछ और सीरम भी यूज कर सकते हो। रिमेंबर, सबकी स्किन और उसकी सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। वट वर्क फॉर सम पीपल माइट नॉट वर्क फॉर अदर्स। यू हैव टू कीप ट्राइंग एंड सी वट वर्क फॉर यू। लास्टली मैं अपना स्किन केयर करूँ। पॉइंट टू रिमेंबर इज डू नॉट यूज एनी केमिकल एक्सफोलिएंट AHA और BHA। आपकी स्किन शेविंग के बाद थोड़ी सेंसिटिव है, लेट इट बी, इसको रेस्ट करने दो। मैं बस एक मॉइस्चराइजर लगाऊंगी और नायासिनमाइड लगा लूँ, या फिर आप बस एक शीट मास्क यूज करके वहीं पे प्रोसेस को एंड भी कर सकते हो। एंड दैट इज इट। आई होप यू वॉच द वीडियो विदाउट स्किपिंग एनी ऑफ द स्टेप। सारे स्टेप फॉलो करने पर ही मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल कॉन्टेंट इंटरेस्ट्स यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाई।